चलिए, आज का टॉपिक है फॉर्च्यूना। फॉर्च्यूना सुना है आप लोगों ने? हाँ क्या सर, होता शायद लगन और चंद्रमा की डिग्री नहीं, वो तो और सूर्य का, मैथमेटिक्स फॉर्चूना है, मैथमेटिक्स। भाग्य हाँ, का स्थान जहां पर होता है वो भाग्य का। फॉर्च्यूना मतलब फॉर्च्यून, फॉर्च्यून हाँ मतलब भाग्य, भाग्य। है ना। एक ऐसा स्थान या एक ऐसा समय जो हमारे लिए क्या हाँ हो, फेवरेबल। कभी कभी हम खुद ही फील करते हैं ना, यार ये काम कैसे हो गया, आता ना कभी कभी हमारे दिमाग में। ठीक है, ऐसा लगता है तो होगा ही नहीं, हो जाता है। तो वो फॉर्च्यूना टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है। हम खुद ही बोलते हैं हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमारा खराब समय चल रहा है, हम खुद ही बोलते हैं अपने मुंह से, है कि नहीं। फॉर्च्यूना क्या है? एक समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, ठीक है, जो कि डेली आता है। ठीक है, कैसे आता है, कब आता है, अपन उसको चेक करते हैं फॉर्च्यूना को, कैसे, है ना। राशि में देखना पड़ता है, चार्ट में देखना पड़ता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो अपन सर्टिफाइड चार्ट ही खोल रहा हूं मैं। ठीक है, यह है सर्टिफाइड चार्ट। ठीक है, चलिए। आवाज किसकी आ रही? देखिए कहाँ लिखा है फॉर्च्यूना। मीन राशि में हाँ जी, फॉर्च्यूना शब्द कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा है, F2, F2, ये यहाँ हाँ पे टेबल में देखिए, ये दिख रहा है, एसेंडेंट ये लिखा है के फॉर्च्यूना। हाँ, एसेंडेंट के ऊपर ऊपर। लिखा है, मतलब ये एसेंडेंट के ऊपर है, मतलब समझ जाइए जातक से भी ऊपर है उसका फॉर्च्यूना। ठीक है, अच्छा देखिए फॉर्च्यूना के कभी सिग्निफिकेटर्स नहीं होते हैं, दिख रहा है, क्योंकि फॉर्च्यूना क्या है, समय है ना, समय है, टाइम पीरियड है। ठीक है, देखिए ये टेबल हमें बता रही है कि आपका जो फॉर्च्यूना है किसकी राशि में है, जुपिटर जुपिटर की राशि में। जुपिटर की राशि कौन कौन सी होती है? 9। 9 और 12। और ये बता रहा है कि फॉर्च्यूना किसके नक्षत्र में बैठा है, सैटर्न के नक्षत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र, जब आपका समय खराब चलता है तो आप एक डायलॉग यूज करते हैं, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, इसके आगे बोल पाते हैं क्या आप? नहीं। ये आपका ग्रह है और ये आपका नक्षत्र है, यही खराब चलता है, समझ गए। तो जो पुराने समय के लोगों की कहावतें हैं या जुमले हैं, वो साइंटिफिकली हैं, ऐसा ही नहीं है ना। उन्होंने कहा हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे, तो ये दिखा दिया मैंने आपको ग्रह, और ये आपको दिखा दिया मैंने नक्षत्र, यही दोनों खराब चलते हैं। ठीक है, अब ये चलते कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए फॉर्च्यूना क्या होता है। फॉर्च्यूना ये बता रही है टेबल की जुपिटर की राशि में है और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ। देखिए अब उसको देखना कैसे, पता करना पड़ेगा ना भाई कौन सा नक्षत्र हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए फॉर्च्यूना शब्द कहाँ लिखा हुआ, ट्वेल्थ उसमें राशि में, देखिए या तो वो 9 में हाँ होगा या तो 12 में होगा। ये 9 नंबर है, ये बारह 12 नंबर है, क्यों? क्योंकि वहां लिखा था ना नीचे जुपिटर की राशि में होगा, तो जुपिटर की दो राशियां होती, तो हमने देखा 9 में तो है ही नहीं, है किसमें, वो 12 नंबर की राशि में है ना, जुपिटर की राशि, तभी वहां पे जुपिटर लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जुपिटर की राशि में फॉर्च्यूना आपकी कितने डिग्री पे, नोट कर लीजिए सुनीता मैडम, आप लोग भी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अर्जुन जी का फॉर्च्यूना, आप लोग भी एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, अर्जुन जी का फॉर्च्यूना 9 डिग्री, 9 डिग्री, 9 डिग्री पाइसेस मीन राशि में स्थित है।
9 डिग्री पाइसेस या मीन राशि में स्थित है? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, एक टेबल मैंने आप लोगों को डाल रखी है ग्रुप में, वो इसीलिए डालिए, थोड़ा सा टाइम इसी को ढूंढने में लग गया था। लीरी सर शनि के नक्षत्र में हो गया ना, 9 डिग्री का है। हाँ जी, उत्तर भाद्रपद में होगा। 9 डिग्री का है तो शनि के नक्षत्र में आ ही गया। हाँ शनि, हाँ शनि के नक्षत्र में, क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि बना हुआ है। क्योंकि 3 डिग्री से कम होता तो गुरु के में होता, 3 से ऊपर है तो शनि में आ जाता। उत्तर भाद्रपद में होगा ना शनि में। हाँ, वही दिखा रहा हूँ, वही दिखा। देखिए कौन से नंबर की राशि थी? 12 नंबर। मीन मीन 12 नंबर। 12 नंबर, तो नीचे आ जाइए एकदम। ठीक है, कितने डिग्री पे था सुनीता मैडम? डिग्री देखिए ये लिखा है डिग्री इंटरवल, तो किस इंटरवल में आएगा? 320 से 1640 वाली है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट चालीस के डिफरेंस में आएगा, मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। लिख लीजिए, अर्जुन जी का फॉर्च्यूना मीन राशि में। किस नक्षत्र में है? थोड़ा नहीं, इससे ऊपर नहीं होगा ज्यादा, ऊपर लास्ट है उत्तरा भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपदा मतलब उनका फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में है? उत्तर भाद्रपदा में, यही इनके लिए सबसे बेस्ट है। मैंने बोला ना, ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो अर्जुन जी का अच्छा नक्षत्र कौन सा चलेगा? उत्तर भाद्रपदा। ठीक है, अभी आप लोग के पास मोबाइल है क्या? हाँ जी मैडम, डिग्री आप लोगों ने नोट किया होगा ना, मैंने बताया था। 9 डिग्री 40। हाँ, तो हमको इस इंटरवल में देखना। देखो विमला मैडम, ये इंटरवल लिखा है 0 से 3 डिग्री, दूसरा इंटरवल लिखा है 3 डिग्री से 16 डिग्री, तो वो जो था 9 डिग्री पे था, तो इस इंटरवल में आया ना 0 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, मतलब किस कौन सा नक्षत्र है उनका? उत्तर भाद्रपद। और देखिए यहाँ मीन राशि लिखी हुई है, तो आपने पता कर लिया कि अर्जुन जी का फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में है। मतलब इनके लिए अच्छा नक्षत्र कौन है? यही, फिर वही डायलॉग, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे अच्छे चल रहे हैं, तो इनके लिए कौन सा नक्षत्र है? वो उत्तर भाद्रपदा। क्लियर है? फॉर्च्यूना पकड़ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्लास लेट अटेंड करी, ये क्यों देखा जाता है? चलो मैं एक बार रिपीट कर, शुरू से नहीं किया आपने? नहीं, मेरा क्या लैपटॉप नहीं चल रहा था, फिर कनेक्ट चलो ही नहीं हो एक रहा। बार और देख लो, तो वो हो जाएगा, क्या रिवाइज हो जाएगा। देखिए फॉर्च्यूना क्या होता है, जैसे हमने ये चार्ट खोला, ठीक है, चार्ट खोलते ही साथ हम देखते हैं एसेंडेंट के ऊपर फॉर्च्यूना लिखा रहता है, ये लिखा हुआ लिखा है, ठीक है, तो ये टेबल बता रही है कि अर्जुन जी का फॉर्च्यूना जो है वो किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। गुरु की राशि कौन कौन सी होती है? 9 नंबर और 12 नंबर। क्लियर है रश्मि हाँ मैडम? सर, हाँ सर। फिर ये बता रहा है कि किसके नक्षत्र में है वो, सैटन के नक्षत्र में। क्लियर है? हाँ सर, बस यही इंपॉर्टेंट होता है फॉर्च्यूना के लिए, ग्रह और नक्षत्र पता करना है हमें। ठीक है, ये हमने पता कर लिया, अब हम सीधे चार्ट पे जाएंगे और गुरु की राशि देखेंगे। देखिए ये गुरु की राशि 9 नंबर है, यहाँ फॉर्च्यूना नहीं लिखा है, ये लिखा है फॉर्च्यूना, ये लिखा है FOR। हाँ हमने देखा कि फॉर्च्यूना कितने डिग्री पर है? 9 डिग्री। 9 डिग्री पर है। ठीक है, ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल खोलेंगे हम सीधे। देखिए ये मीन राशि दिख रही है ना, मीन राशि में मिला था हमको, हाँ मीन राशि में आ गया। अब यहां देखिए डिग्री का इंटरवल लिखा है, तो 9 डिग्री किस इंटरवल में आएगा? 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के इंटरवल डिग्री में आएगा। क्लियर जी जी सर, है? हाँ तो सर, हमें यह पता चल गया कि अर्जुन जी का नक्षत्र कौन सा है? उत्तरा भाद्रपदा।
ठीक है, तो उनका फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में? तो ये क्या चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा? फॉर्च्यूना, फॉर्च्यूना चेक कर रहे हैं, फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में है ये देख रहे हैं, क्योंकि समय क्या होता है ग्रह नक्षत्रों पे बेस्ड होता है ना, तो आपके लिए कौन सा नक्षत्र बेस्ट है? ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ने तो बता दिया लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है, तो वो हमने पता किया। ठीक है सुनीता मैडम, लिख लिया आपने उत्तर भाद्रपदा? लिखिए सर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई प्रश्न? सर, फॉर्च्यूना से, फॉर्च्यूना को हमने सॉफ्टवेयर में देखा और ये पता किया कि वो किस नक्षत्र में, तो हमने देखा कि फॉर्च्यूना एक्चुअल में किस नक्षत्र में बैठा है, उत्तर भाद्रपदा, जो कि हमें इस चार्ट में नहीं दिखेगा। ये दिख रहा है क्या यहाँ पर? सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ नहीं, माउथ पीस तो ठीक हेलो, आ रही है आवाज सबको? यस सर, हाँ हाँ ठीक मैडम, से आ रही है। हाँ सर, आ हाँ रही है, आ रही है। देखिए इस चार्ट में हमें नहीं दिखेगा ना ये फॉर्च्यूना कहाँ पर बैठा है, इतना बता सकते हैं किस राशि में बैठा है, इतने डिग्री पर बैठा है, लेकिन ये बता सकते हैं कि किस नक्षत्र में बैठा है? नहीं बता सकते। तो इसको चेक करने के लिए हमने वो टेबल यूज करी, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था ना 27 नक्षत्र हैं, वो कितनी राशियों में बटे हुए हैं और कितने भावों में बटे हुए हैं, तो 12 राशियां हैं तो 12 राशियों में बटे हुए हैं, और उनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता चुका हूँ शुरू में ही, याद होगा आपको, ठीक है। तो जो चीज हमें यहाँ नहीं दिख रही है वही देखने के लिए हमने इस टेबल का प्रयोग किया है। सीधे हमने मेन राशि में गए, हमारा फॉर्च्यूना 9 डिग्री पर है, तो हमने देख लिया कि हमारा फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपदा। क्लियर है? जी सर, ठीक है, आगे बढ़ो। यस। चलिए अब आप लोगों के पास मोबाइल है, हाँ, एस्ट्रो सेज खेल खोलिए, सबके पास रहता है, कॉमन है। क्या खोलना सर? एस्ट्रो सेज खोल लीजिए। हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड, मेरे ही बंद हो गया। चलिए इसमें नीचे आ जाइए, डेली पंचांग लिखा है, साथ में करते जाएगा तभी दिखेगा, है ना, प्रैक्टिकल हाँ सर, है, नहीं ठीक देखेंगे और सुन लेंगे तो फिर तो भागवत गीता हो जाएगी, सोने और दूसरे कान से निकली। क्लियर है? क्या जी। खोला आपने? डेली पंचांग। हाँ सर, चलिए अब कोई मेरे को देख के बता सकता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में? पुनर्वसु, पुनर्वसु में है। पुनर्वसु। पुनर्वसु। बिमला मैडम खुला? आप खुला सर? जुपिटर के नक्षत्र में। हाँ जी, हाँ हाँ पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र में, और उसके बाद किस नक्षत्र में जाएगा वो? पुष्या में। पुष्य। वेरी गुड। कहाँ से चंद्रमा खेलिए सर? जो कितने डिग्री का चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है? कितने डिग्री का, नहीं हम बस ये देख रहे हैं कि चंद्रमा अभी किस नक्षत्र में। नहीं सर, मेरे पास में जो आया ना, उसमें जो है कर्क राशि में 5 डिग्री का है, तो उसके हिसाब से तो ये नहीं, आपने कौन पुष्य सा नक्षत्र। सॉफ्टवेयर खोला? मैंने वो दृक पंचांग करके होता ना उसमें। नहीं, मैं इसीलिए तो वो वाला बोला ना, कॉमन रहता कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है सर, एस्ट्रो वो सेज ठीक नहीं है है क्या? उसको। एस्ट्रो सेंस है सर, उसी आई अच्छा पे फोन में ही कर रही है ना, उसी में है, तो एक्चुअली मैं अच्छा नहीं बोल अच्छा पाऊंगी। चलिए ठीक है, वो तो आप देख लोगे। कौन कोई, बोल रहा है, संतोष मैडम ना? हाँ जी, हाँ जी हाँ, वो तो आप देख लोगे। चलिए सर, एस्ट्रोसेस पंचांग में आए हैं, उसके बाद क्या करना है? हाँ एस्ट्रो सेज में जाइए और किस कौन से बटन को सर, दबाएंगे, डेली पंचांग, उसको खोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, टुडेज हाँ खुल गया। पंचांग लिखा है, हेडिंग टुडेज पंचांग, देखते जाइए भाई, प्रैक्टिकल है ना। वहां पर एक हेडिंग डली हुई जहां आपका अंगूठा है, नक्षत्रा लिखा है, लिखा है क्या आगे लिखा है वहां? पुनर्वसु नक्षत्र। पुष्य, हाँ पुष्य और नेक्स्ट आने वाला नक्षत्र कौन है? नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र। पेपर में पढ़ा होगा, अभी आया पुष्य नक्षत्र आने वाला, शॉपिंग करिए। अब देखिए उसके नीचे लिखा है टिल, टिल हाँ का मतलब क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो 3:06 तक रहेगा, और जी, उसके जस्ट बाद से कौन सा नक्षत्र लग जाएगा? पुष्य पुष्य सर, पहले नक्षत्र। ये चीज समझ में? पंचांग में आना है पहले। हाँ जी,
सर मेरा नहीं निकल रहा है। डेली डेली पंचांग, DAILY, डेली पंचांग। हाँ वो निकाल दिया, फिर उसके बाद कुछ ये तो वर्तमान मुहूर्त वगैरह ये आ रहे हैं। ना जी थोड़ा सा स्क्रॉल करिए ना, नीचे आइए, हेडिंग देखिए, पीले कलर से लिखा है टुडेज पंचांग। हाँ सर। देखा टुडेज पंचांग, हाँ जिस साइड आपका अंगूठा है वहां देखिए नक्षत्र लिखा होगा, हाँ सर। मिल गया। उसके हाँ नीचे लिखा है पुनर्वसु, लिखा है। पुनर्वसु में आगे। हाँ हाँ सर लिखा है। उसके नीचे लिखा है Till 3:06 PM, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र कब तक चलेगा, 3:06 3:06 तक। उसके बाद कौन सा नक्षत्र लग जाएगा, कुछ पुष्य, है चंद्र। ना। तो ये किसकी मूवमेंट है, चंद्रमा की है, हाँ चंद्रमा, है ना संतोष मैडम। हेलो, जी सर। ये हाँ जो जी सर। हाँ नक्षत्र जी होता है क्या होता है पंचांग के हिसाब से बताइए पर आप। सर मून का, मून किस राशि में और किस पद किस नक्षत्र में गया हाँ उससे आता है, तो ये चंद्रमा मून भी का किस, मूवमेंट आता है। हाँ मून का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो चंद्रमा हमने देखा कि अभी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, पुष्य नक्षत्र में, क्लियर है। अब देखिए इस टेबल में देखिए, आपको कहाँ दिख रहा है पुष्य नक्षत्र, मिथुन में होगा सर, कर्क ये देखिए ये, में है, कर्क में हाँ आएगा सर, कर्क। हाँ कर्क, कर्क दिख रहा है। तो अभी चंद्रमा मूव करते हुए पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ऐसे मूव करते करते जब कहाँ पहुंचेगा, किस में पहुंच जाएगा, उत्तर भाद्रपद में। तो उत्तराभाद्रपद। वो समय अर्जुन जी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनका वो कौन सा टाइम है, फॉर्चूना टाइम, क्लियर है। तो हाँ आप मून की मूवमेंट से ये पता कर सकते हैं कि उनके लिए फॉर्चूना वाला टाइम कौन सा तो है, ठीक ये है। तो सर हर महीने एक बार आएगा ना वो तो। हाँ तो जरूरी है ना मैडम, महीने में एक बार तो आए कम से कम, ठीक है, फॉर्चून, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, ये आपके लिए, जब फॉर्चूना मतलब मून कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर भाद्रपदा में नक्षत्र में आएगा, तो अर्जुन जी के लिए अच्छा समय हो, यही हमारे ग्रह नक्षत्र। सर वो एक दिन के लिए होता है क्या महीने में? मून की मूवमेंट कितनी होती है संतोष मैडम, सर सवा हाँ 2 दिन एक नक्षत्र में रहता है। अच्छा सवा 2 दिन तक चंद्रमा जो नहीं होता है वो एक नक्षत्र में, ठीक है। सर, हर एक न... राशि में 2 दिन रहता है, नक्षत्र में तो एक ही दिन रहेगा ना। क्यों एक संतोष राशि, मैडम, एक नक्षत्र में एक दिन रहेगा ना सर, राशि बोला मैंने, सवा मैंने दो तो दिन नौ एक राशि, नक्षत्र हो गए ना उसमें, हाँ 9 नक्षत्र को पूरा करने में 2.25 दिन लगाएगा। हाँ तो एक नक्षत्र में कितने दिन रहेगा, दिन 1 दिन। सत्ता और वो जो दिन सत्ताईस है, हाँ वो जो दिन है वो इससे वर्क नहीं करेगा, किससे, सूर्योदय सूर्यास्त से वर्क नहीं करेगा। इसमें जो दिया उससे उसी टाइम से हाँ करेगा। जैसे अभी आपने देखा जो नक्षत्र लिखा है वो 3:06 PM पर, मतलब ये तीन छह कौन सा पीएम है, दोपहर का ना, आधी रात को। हाँ तो दोपहर सर के मुझे आधी निकल गया रात, पुनः। आधी रात को तो हाँ एएम लग दोपहर जाएगा ना। हाँ हाँ सर दोपहर निकल गया, के, इसीलिए वो पुष्य नक्षत्र में 3 बजे के बाद आ गया नहीं मैडम वो तो नेक्स्ट लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में, देखिए ना। है सर। सॉफ्टवेयर में नहीं चेंज हुआ होगा ना, आप 3 बजे बोल रहे तो 3 बजे तो दिन के 3 बजे चेंज हो गया ना, नहीं या ये तो नेक्स्ट डे करंट, होगा, ये नेक्स्ट तो डे, नेक्स्ट डे। करंट दिखाएगा ना, हाँ 8:34 की स्थिति दिखा रहा है ना ये तो पंचांग जो होता है, ये करंट का पंचांग है ना, करंट का पंचांग है ना। एक सेकेंड, डेली पंचांग खोला बंद, पुनर्वसु दिखा रहा नहीं। हाँ जी सर, ये 3:06 PM तो ये आज के हाँ या कल के, तो 3:06 PM आ रहा है ना, पीएम आज और, ही होगा ना फिर, हाँ जी आज का ही हुआ ना ये आज का तो। ही अब हुआ है इसका ये तो, मतलब हाँ हाँ तो तीन पुनर्वसु तीन पुष्य शुरू हो गया ना सर, 3 बजे के तो बाद फिर पुष्य पुष्य शुरू हो शुरू। गया। हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक 3 बजे3 बजे के बाद पुष्य शुरू हो हाँ ये पीएम लिखा गया हुआ है ना यहाँ पे, तो ना। हाँ पीएम है ना, रात का होता तो एएम लिखा होता। एम। हाँ हाँ सर, सर इसके अंदर चेंज नहीं होता है, एस्ट्रो साइज में मैंने देखा है चेंज नहीं होता। मेरे पास एक ऐप अच्छा, है इसकी,
ज्योतिष ज्योतिष दशा करके है, उसका उसमें डेली का डेली अपडेट होता है, अच्छा, हर घंटे का अपडेट आता है उसमें। ये बस वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होता। हाँ, इसमें टाइम टू टाइम अपडेट नहीं, हाँ ठीक, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। अच्छा वो इसीलिए जो है ना पुष एंड टाइम है, जैसे पुष्य पुष्य नक्षत्र जो है 5:53 पर पीएम एंड हाँ हो जाएगा, टिल डेट हाँ है वो, हाँ है ना, 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र जो है 5:53 में एंड हो जाएगा। तो ये किसकी मूवमेंट बता रहे हैं, मून की मूवमेंट जो कि पर डे की मूवमेंट है, ठीक है। तो सर फिर ये उत्तरा भाद्रपद तक आने में उसको लगेगा ना टाइम फिर? ना तो लगेगा ना मैडम, मान लीजिए आपका पहला नक्षत्र होता और पहले ही दिन होता, तो मान लीजिए आप हाँ क्लास में हैं, हाँ आपका नाम एस है, तो अटेंडेंस तो जी पहले आएगी। जी अच्छा सर, इसमें उत्तर भाद्रपद को कंसीडर करेंगे या उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है शनि, वो नहीं जो नहीं नहीं शनि हर में डे आ टू रहा है? डे तो हमें नक्षत्र पकड़ना पड़ेगा ना, हाँ, ठीक है डे टू ठीक डे, डे टू डे की बात चल रही है इसीलिए मैंने नक्षत्र को पकड़ा है। है। हम डे टू डे की बात कर रहे हैं ना, तो हमें नक्षत्र पकड़ना पड़ेगा। जब भी चंद्रमा उस नक्षत्र में आएगा ये उनके लिए फॉर्चूना का टाइम है, क्लियर है। ठीक है चलिए, ये तो देख लिया आपने। कोई सवाल ऐसे ही आप निकाल सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, किसी और का भी निकाल दें। चलो ओपन चार्ट किसका निकालना है मैडम, कीर्ति मैडम, सर 40 नंबर कीर्ति वाली महता, अच्छा चलिए कीर्ति जी का लग गया है ना। देखिए कीर्ति ठीक है सर। जी का फॉर्च्यून, अब देखिए वहां ऊपर देखने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने पढ़ाने के लिए बताया था, सीधे यहीं देख लीजिए कहाँ है भाई फॉर्च्यून, जी कहाँ लिखा है तो आर एसेंडेंट में, असेंडेंट में ही असेंडेंट है, है? सातवीं असेंडेंट में है सर, राशि में सर, है, सी ये है असेंडेंट, है ना। 1.17। तो ये कितने डिग्री पर है, एक एक डिग्री डिग्री, पर तुला कौन सी राशि में, राशि में ना सर, तुला राशि में 1 डिग्री का तुला हो गया राशि में है। आ जाओ शुक्र सीधे, में आ मकर जाएगा, राशि। सूर्य के बाद में मंगल आ देखिए गया, चित्रा में, चित्रा में किस राहु राशि में के है, नक्षत्र में हो सकता है ये, हाँ चित्रा किसका नक्षत्र है, मंगल 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 का मंगल का चित्रा किसका नक्षत्र है, मंगल का सर, मंगल, मंगल का मंगल का, नक्षत्र होगा, धनिष्ठा, मंगल का, मंगल का मंगल। नक्षत्र याद रखना बहुत जरूरी, केपी पढ़ रहे हैं। चलिए तो चित्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा आएगा वो समय फॉर्च्यूना का होगा, किसके लिए, कीर्ति देवी दी, क्लियर है। अब देखिए अभी मैडम बात कर रही थी, अब देखिए मून का डिस्टेंस कम हो गया, मान लीजिए वो चित्रा में होता और यहाँ से यहाँ मूव करना होता तो डिस्टेंस कम हो गया, वो तो अब वही है जब जिसका नंबर आएगा, समझ गया। महीने में एक बार तो आना ही, अब महीने में एक बार आना ही आना है, सॉफ्टवेयर आपके पास है पहले ही देख लो कब आना है, ठीक है। तो वो जो समय मिला है ऐसा नहीं कि हम सो गए, अरे आज तो अपना नक्षत्र है, उस दिन अच्छे काम कर लेना है, ठीक है। उस दिन हमें ऐसा लगता है जो काम हमें नहीं हो रहा है उस काम को अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, ये नहीं। हाँ सर डेली का भी तो निकाल सकते हैं फॉर्चूना, नहीं? हाँ अभी आएंगे धीरे धीरे, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्लियर जी सर, उसमें है। जो आपने, एक मिनट सर, जो अपन ने 1 डिग्री देखा था ना वहां हाँ पे फॉर्चूना, वो तो सर एक यहाँ पे डिग्री भी यहाँ देखिए, सबसे पहले तुला राशि में आ जाए, तुला में मिला था जी हमको, जी अब सर यहाँ इंटरवल लिखे हैं, तो हमारा फॉर्च्यूनर कितने डिग्री पर था, 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पे। तो ये हाँ इंटरवल ये आएगा 0 से लेकर 6 डिग्री, यहाँ पे आएगा ना अच्छा, इस यहाँ पे इंटरवल में, आएगा। जी तो जी इस जी जी इंटरवल में कौन सा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र, चित्रा, ओके ठीक है, क्लियर जी सर है। तो जी सर चित्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा आएगा तो उनका फॉर्च्यूनर टाइम हो, क्लियर हो जी गया। जी सर देखो चित्रा नक्षत्र किसका होता है, मंगल का सर, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है ये, मंगल ठीक मंगल है, इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र स्टार लॉर्ड हेडिंग लिखी रहती है ना, मतलब वीनस जो है, सॉरी फॉर्च्यूना जो है किसकी राशि में है, शुक्र की राशि में, ठीक है, किस नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में है,
जिसका लॉर्ड कौन है? मार्स। तो यहां पर सीधे क्या लिखा रहता है? स्टार लॉर्ड, ना कि स्टार। तो यही स्टार को पता करने के लिए मैंने वो टेबल आपको दिखाई। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने हमने स्टार लॉर्ड से तो समझ में नहीं आना, क्यों? क्योंकि मार्स के तो कितने सारे नक्षत्र होते हैं, कितने होते हैं भाई? चार चार होते हैं, तीन तीन होते हैं, तीन 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 नाम 27, 3 × 9, 9 प्लैनेट है ना। जी ठीक है, मृगशिरा चित्रा स्वा। हाँ, इसकी भी एक टेबल है, उसको आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको वो टेबल बताई ताकि आप सीधे पिन पॉइंट पे पहुंच जाएं। मंगल का तो नक्षत्र है, लेकिन कौन सा नक्षत्र है? चित्र नक्षत्र। तो जब चंद्रमा इसमें आएगा, चित्रा नक्षत्र में आएगा, वो समय क्या होगा? फॉर्च्यूनर टाइम होगा। क्लियर है? अब ये जी आ सर। गया डे। अब आते हैं साल पे। तो साल के लिए कौन सी ट्रांजिट देखी जाती है? जुपिटर को जुपिटर। सन ट्रांजिट है ना। साल भर की एक्टिविटीज के लिए सन ट्रांजिट देखते हैं ना, हाँ हाँ हर महीने का और उसके लिए सही। कौन सा टेबल होता है? 249। भाई 3 49। सन की जो ट्रांजिट है वो डे टू डे देखना है तो 249 टेबल देखते हैं ना हम। अब देखिए इस चीज को पकड़ लीजिए, वीनस और मार्स, मैंने बोला ना ग्रह और नक्षत्र पकड़ना है। ठीक है, अब सर देखिए इसका हेडिंग कैसे लिखेंगे जो आप सन का बताएंगे उसको, तो हेडिंग क्या लिखेंगे उसका? ये अभी आपने लिखा है कि पर डे फॉर्च्यूना टाइम। ठीक है, अब हाँ लिख रहे हैं टाइम पीरियड इन अ ईयर। हाँ अच्छा वो नोट कर लिया नहीं कीर्ति मैडम आपने? मैं तो सर क्या भूल जाता हूँ, जी सर। क्या नोट करना है आपने? वीनस पर मार्स। जी ठीक है, सर जी वीनस सर मार्स नोट कर लिया आपने? जी सर चलिए अब हम खोलते हैं 249 टेबल। ये हमने खोल दी 249 टेबल। वीनस की कौन सी राशि होती है? 2 नंबर और 7 नंबर। नंबर। चलिए ये 7 नंबर सामने, तो सामने देख लो। वीनस में मार्स दिख रहा है कहीं? हाँ जी नहीं, ये है ना वीनस हाँ मार्स। है सर। ठीक वीनस है, मार्स ठीक 126 में गया। जी सर। अब एक चीज और देख लो आप लोग, सर नीचे 125 में भी है, कहाँ? 4 है सर, ये रहे ना वीनस में। वन हाँ ट्वेंटी हाँ सिक्स और ठीक है वन ना, ट्वेंटी 2 नंबर में भी चेक कर लो। ये 2 नंबर यहाँ दिख रहा है कहीं? हाँ है लास्ट में सर। सर वीनस 39 मार्स में पर तीन है, 3 4 आ रहे वीनस में मार्स बस हैं। देखना है, स्टार लॉर्ड तक देखना है, सब लॉर्ड नहीं देखना आपने। हाँ तो एक ठीक है, चार है सर। सर हाँ तो देखिए चार चार वीनस है में सर। मार्स, ये टेबल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है ना। अच्छा ठीक है, तो आ रही हो बाहर एक दो वॉशिंग तीन, मशीन एक दो तीन, ये वीनस में मार्स कहाँ से कहाँ मिल रहा है ये देख लो आप। सर। 41 से लेके 38 ये कहाँ से नहीं स्टार्ट हो थर्टी रहा है? सीरियल नंबर 38 से स्टार्ट हो एट रहा है से और फोर्टी सीरियल वन नंबर 41 तक फोर्टी वन है ना। हाँ 38 से 41। ठीक है, तो ये ये इस, टॉरस में आया हाँ क्योंकि वीनस की राशि देखना है ना हमें, वीनस की ही राशि देखना है हमें। तो अपन को फॉर्च्यूनर किस राशि में मिला था? वीनस की, तुला में तुला में मिला था। तो तुला में मिला था देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे ना। अच्छा सर हाँ तुला वाला ही देखेंगे। तुला वाला देखेंगे, जिस राशि में मिला उसी में देखेंगे। इसमें कहाँ मिल रहा है? सर 126 125 हाँ 127 देखिए,29 हाँ थोड़ा सा बड़ा कर लो। से हाँ 129 से 5 है, 5 125 125 से है, 129 लास्ट छोटा हो गया, वाले 4 एक सबसे लास्ट सेकंड बड़ा वाले कर 4। देता हूँ। देखो यहां से अब अच्छे से दिखेगा। तुला राशि में हमारा फॉर्च्यूना स्थित है कहाँ पर? 125 शुक्र के, शुक्र जिसका साइन लॉर्ड है और स्टार लॉर्ड मार्स है, सब लॉर्ड पे नहीं जाना है। तो ये आपको टाइम पीरियड मिलेगा। देखिए कहाँ से मिलेगा आपको? वीनस मार्स, वीनस मार्स। तो ये आपको मिलेगा 180 डिग्री से। देखिए हेडिंग देखिए, यहाँ लिखा रहता है फ्रॉम और यहाँ लिखा रहता है टू, मतलब वीनस में मार्स 180 डिग्री से कब तक रहेगा? 186 डिग्री तक रहेगा। ये देखिए कर्सर दिख रहा है मेरा, जी सर तो हाँ ये जो है टाइम पीरियड है। अभी एक दिन मिला था, अब ये आपको टाइम पीरियड मिल गया। तो ये जो टाइम पीरियड है वो क्या है?
फॉर्च्यूना का टाइम पीरियड जो कि शुरू कहां से होगा? 180 डिग्री सर। हाँ मतलब डेट में बात करेंगे तो कहां से शुरू होगा? 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से शुरू होगा। क्लियर है? मतलब हर साल 18 अक्टूबर को, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो फॉर्च्यूना का टाइम पीरियड रहेगा। 18 अक्टूबर से सर फिर कब तक रहता है? अब ये आपको बताया ना डिग्री निकालना, अच्छा 188 है ना, एक दिन में एक डिग्री जाएगा ना वो। हाँ एक दिन में एक एक डिग्री है मूवमेंट, देखो 80 से 81 82 84 85, एक एक दिन मूव करा लो आप इसको। अच्छा 5 दिन दिन का, रहेगा। 5 दिन का हो गया। हाँ 5 दिन देखो ये 18 19 20 5 21 5 दिन हो गए। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अक्टूबर कितना होता है? 31 को होता है क्या? 30 क्या होता है? 31 ये सर, 31 आ गया है ना। अब देखो 31 एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख, पांच तारीख, छह तारीख, सात तारीख, ये यहां तक मूव करेगा। क्लियर है? तो ऐसे पर डे मूव करेगा तो आप ऐसे डे को काउंट कर लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 दिन मिल जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड समझ में आ गए? जी सर। जी ठीक है, चलिए फॉर्च्यूना में क्या करना है जसमीत से? फॉर्च्यूना तो पता कर लिया, अब करना है क्या फॉर्च्यूना में? हाँ कोई भी इम्पोर्टेंट काम, जो डिस्कशन, कोई मीटिंग जाना है या कोई इंटरव्यू पे जाना है या कोई डील साइन करनी है, व्हाटएवर, ये भी तो डे टू डे में आएगा ना, डे टू डे जो एक्टिविटी में। काम रुके हुए हैं उनको भी कर सकते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए कीर्ति मैडम की बात कर रहे हैं, विमला मैडम की लड़की हो, है ना, मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, तो हालांकि उनकी शादी होगी, मान लीजिए उनकी शादी नहीं हो रही और विमला मैडम परेशान, तो वो कीर्ति मैडम क्या कहेंगे इस ड्यूरेशन में वो दान करें, ठीक अच्छा है ना, या जी वो यदि एक लड़की है तो वो शादी की कोई एक सामग्री खरीद के घर में रख ले हर साल। समझ अच्छा रहे मेरी बात? सर, जैसे आपको आवाज नहीं आ पढ़ने, रही। हाँ जैसे आपको पढ़ने का शौक है, ठीक है, जी तो आप उसी समय में पुस्तक खरीद के रख लीजिए, मतलब उस जी समय का समझ रहे हैं उपयोग कैसे करना, ठीक है, मतलब जो एक्टिविटी आप चाहते हैं और जो पॉजिटिव एक्टिविटी उससे रिलेटेड चीजों को आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। जैसे मून की मूवमेंट में हमने क्या बोला है भाई, दिन में एक बार आ रहा, तो हम तो यही सोचेंगे ना आज हमें ये काम करना है तो हम इस समय कर लें तो ज्यादा बेटर है, जी इस दिन कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा काम करना है जैसे मान लीजिए घर ही बनाना स्टार्ट करना, चलो भाई इसी समय स्टार्ट कर दें, जैसे कोई लड़की है शादी नहीं हो रही है तो माता पिता क्या करें, इस दिन उसके विवाह से संबंधित वस्तु खरीद के रख लें, ठीक है, ज्यादा दहेज दे रहे हैं तो दहेज की सामग्री खरीद के रख लें, मतलब उस इवेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को आप उस समय कर सकते हैं तो वो आपका फॉर्च्यूना उस समय वो साथ देगा, ठीक है, क्लियर है। जी सर। चलिए अब क्या बचा? जैसे किसी को चाइल्ड बर्थ के लिए IVF कराना हो तो वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, फॉर्च्यूना के टाइम पे करिए ना कोई भी काम, फॉर्च्यूना के टाइम आप जो काम करेंगे वो आपके लिए फेवरेबल है, तो फॉर्च्यूना इसीलिए तो सिग्निफिकेटर नहीं होते ना उसके, है सर आप ये 40 नंबर के टेबल पर से निकालिए ना सर, एक बार प्लीज। आपके टेबल में जो 40 नंबर की है, अच्छा अच्छा चार्ट अच्छा ना, चार्ट चार्ट की बात कर रहे। अच्छा 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 चार्ट मैडम का भी, हाँ ठीक 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 भूल गया था मैं। कहाँ गया 40 है, ये फॉर्च्यूना जो है वो शनि की राशि में है और चंद्रमा के ही नक्षत्र में। किस किस नहीं सर, चंद्रमा के नक्षत्र में कैसे होगा? हुँ? चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ नहीं नहीं वाहता। फॉर्च्यूना कहाँ है, सर आप टेबल निकालिए ना, बताते हैं। पहले देख तो लें फॉर्च्यूना है कहाँ। ये लिखा, देखिए ये चंद्रमा लिखा, वृश्चिक में बैठा लगन में।
नहीं, चंद्रमा नहीं, फॉर्च्यूना किस राशि में है? शनि की हाँ राशि में है ना, अच्छा, शनि की राशि में है पहले तो राशि ये। देखना पड़ेगा ना आपको, शनि की राशि है ना ये, 10 नंबर, ये 11 नंबर, ठीक है, मकर कुंभ मीन, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना ये 14 डिग्री पर है। अब आप टेबल खोल लीजिए, ये खोल लिया आपने टेबल, ये कौन सी राशि थी? सर हमें दिख ही नहीं रहा, आपकी शक्ल दिख हाँ रही है बस। चार नहीं दिख रहा ओ अभी चार मैंने कोई शेयर नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, बात शेयर नहीं किया, मैंने ऑपरेट कर दिया उसको, चार्ट दिख रहा था मेरा, नहीं, दिख आपकी शक्ल दिख रही है सर, चार्ट कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, वो मैंने शेयर हटा दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं चलिए ये देखिए, चार्ट दिख गया नहीं हाँ सर, अब अब दिखा दिख रहा सर। है, अब दिखा। है ना, अब देखिए ये आ गए अपन नीचे, ये फॉर्च्यूना शनि की राशि में, ठीक है, शनि की राशि में चले जाइए फटाक से, या तो डायरेक्ट देख लो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा ये फॉर्च्यूना 14 डिग्री पर है, ठीक है, कौन से नंबर पे? 10 नंबर की राशि में, 10 नंबर की राशि आ जाइए फटाक से टेबल में, दस नंबर की मकर, राशि ये मकर, श्रवण, श्रवण कितने डिग्री पर था? श्रवण 14 डिग्री पे था ना, हाँ श्रवण में होगा, तो श्रवण, श्रवण श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र, श्रवण में हाँ, कौन किसका नक्षत्र होता है मैडम? श्रवण, मून का, संतुष्ट, चंद्रमा। हाँ तो यही कहा था ना मैंने, चंद्रमा के नक्षत्र में, समझ गए आप, ठीक है, तो उनका फॉर्च्यूना जो है वो श्रवण नक्षत्र में, क्लियर है, जी ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखो तो सर इसका प्रेडिक्शन अब ऐसे होगा कि जब भी चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आएगा वो टाइम पीरियड अच्छा होगा। हाँ, टाइम पीरियड अच्छा है, और एक शुभ काम करना है वो है दान, क्या ठीक है, करना है? अल्हम्दुलिल्लाह। दान, दान करना है या फूड देना है किसी को? अच्छा, चंद्रमा का है इसलिए नहीं नक्षत्र। नहीं 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 जिसका भी फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून, नहीं, हाँ खाने का दान देना है आपने इससे बोला, तो जैसे वो मून के नक्षत्र में है इसलिए वो खाने की चीज दान देने की बोल रहे हैं आप। नहीं, वैसे ही बोल रहे हैं सर। नहीं, वैसे अच्छा नहीं बोल रहा वैसे हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ वो जो इन फॉर्च्यूना जनरल। निकाला हमने, तो जो फॉर्च्यूना का हमने नक्षत्र पता किया है, तो उस दिन तो आप अपने काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक काम करना क्या आवश्यक है वो है दान। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं दान करने से ही आपके पुराने कर्मों में कुछ सुधार हो सकता है, दानम पाप नाशनम, दान दान किस, पाप चंद्रमा को नाश करता है। हाँ जी खाने पीने की चीजों का है तो इसलिए खाना पीने की चीजों का दान करने का ना सर, हाँ कह मून सकते हैं आप फूड नहीं नहीं, नहीं वैसे उसका ही इन कारण जनरल नहीं, बताया नहीं ना सर आपने खाने जनरल, का अभी तो। तो हमने सन ट्रांजिट देखा था, मून ट्रांजिट, अभी मैं लग्ना ट्रांजिट दिखाऊंगा आपको, ठीक अच्छा है, दानम पाप नाशनम, दान से आपके पाप कम होते हैं, ठीक है, किसी को भोजन खिलाने से अच्छा आपके कर्मा में सुधार हो सकते हैं, आपके फलों में सुधार हो सकते हैं, ऐसा कृष्णमूर्ति जी का मानना है, वो केवल एक ही रेमेडी यही बताते हैं, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं बताते, ठीक है, उनका कहना है कि जिस दिन आपका फॉर्च्यूना है उस दिन दान करिए, ठीक है, तो यदि आपको दिन में एक बार दान करना है तो भी आपको पता चल गया, साल में कब दान करना है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है, उस समय आपको कौन से काम करने हैं वो आप तय कर लीजिए, फॉर्च्यूना जब की। साल साल का सर हम देखेंगे तो मैं उस समय सन मकर राशि में जब आएगा, मकर राशि में भी धनिष्ठा नक्षत्र जितना टाइम पीरियड रहेगा वो पीरियड बेस्ट होगा। हाँ जी हाँ जैसे 14 जनवरी फॉर्च्यूनर, से मकर राशि में आता है वो हम मैं लगभग बोल रहे हैं, और जब तक धनि श्रवण नक्षत्र में आएगा वो टाइम पीरियड अच्छा होगा। ठीक, चलिए, श्रवण नक्षत्र में आएगा नहीं शायद, श्रवण नक्षत्र में आने के बाद जो नहीं पीरियड देखिए रहेगा। जब सन का देखना ना तो सीधे यहाँ देख लो आप, ये देखो सैटर्न में मून ढूंढ लो आप सीधे, किस राशि में मिला था हमें? सैटर्न की मकर, 10 नंबर मकर राशि में मिला था, सीधे आप जी 249 टेबल खोलिए, ये खोला आपने, हाँ, ये खोला 249 टेबल, सैटर्न की 10 नंबर राशि में जाइए, ये चले गए आप, ये आ गया, सैटर्न की 10 नंबर की राशि जो है वो 14 जनवरी से शुरू होती है, मून ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपको सैटर्न में क्या चाहिए मैडम? मून, मून ये मिल रहा सैटर्न नहीं में रहा। मून, ये टाइम पीरियड आपका अच्छा हो गया,
बहुत लंबा, एक दो लंबा, हाँ ये 196 लंबा से है, वन है ना, इस समय नाइनटी आप फाइव दान से कर वन सकते थ्री फोर हैं। फाइव सिक्स सेवन 9 days तारीख से है हो ये। गया ना, हाँ जी 20 तारीख से, 20 तारीख, 20 जनवरी से। हाँ, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए अब एक चीज पूरा और सिखा। नक्षत्र है ना, 7-8 दिन है। हाँ, चलिए अब एक चीज और सीख लीजिए। एक सेकंड, लग्न कितने देर की होती है भाई? 2 घंटे के, दो 2 घंटे, रुपए सबको पता है? हाँ जी, देखिए, ये अभी जितना भी बज रहा है, कितना बज रहा है टाइम नोट कर लो आप, 9 बज रहा है, बज रहा है। 8:56, 8:56 हाँ, हो ये गए, मैंने करंट का 8:56। चार्ट बनाया, करंट का चार्ट दिख रहा है हाँ जी, हाँ नोट कर जी, लीजिए। करंट के चार्ट में लग्ना जो है वो 8 डिग्री पर है, किस राशि में? धनु राशि में। धनु राशि जी। नोट कर लिया आपने? ठीक है। लग्न का उदय 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 राइज कब हाँ, होता है? सूर्य सूर्योदय से, है? सूर्य उदय के पास राइजिंग स्टार जो होता पूर्व दिशा में जो नहीं, भी रहे। लग्न लग्न कब उदित होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, यही चार्ट है, आपने ये लिख लिया ना एसेंडेंट, अभी जी कहाँ जी पर जी है? चलिए धनु राशि, धनु राशि में अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ इस चार्ट को। ठीक है, ये देखिए, ये हाँ, कितना लिखा है, 8 बजे लिखा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8:56। 06, सुबह 6:30 बजे डाल दिया मैंने, आज ही की हाँ जी, तारीख है ना। हाँ जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लियो में आ गया असेंडेंट, हाँ जी, ये लियो में कुछ असेंडेंट। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रीस्टार्ट करूँ। ऑनलाइन रहे तो स्लो बात चलता। सर सही तो है, लियो राशि। चलो ठीक है, यहाँ कितने बज रहे थे? क्यों सर लियो राशि क्यों कैसे होगी, लियो राशि तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए? यदि अभी उस समय लियो राशि है तो अभी 9 बजे से ये 8 बजे हाँ, धनु नौ खत्म बजे होना चाहिए। कैसी? धनु 2-2 घंटे का है ना, यदि इधर लियो आता है यस तो यस, आफ्टर 2, 6, 7, 8, 9। हाँ सर, लियो लियो का सर आपने 25 मई लिखा है, 24 मई है। अच्छा, नहीं, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ मिस्टेक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये जो एसेंडेंट होता है ना, एसेंडेंट सन से राइज होता बिल्कुल है ना, कभी भी
असेंडेंट, जो असेंडेंट होता है उसका राइजिंग या उदय कहाँ से होता है? जहां सूर्य होता है, सूर्य उदय से, सूर्य उदय से ही लग्न का उदय होता है। फिर उसकी मूवमेंट होती है दो दो घंटे की, जब वो उदित होगा तो 2 घंटे यहाँ रहेगा, फिर 2 घंटे यहाँ रहेगा, 2 घंटे यहाँ रहेगा, 2 घंटे यहाँ रहेगा। अब वो समझ में नहीं आ रही क्या मिस्टेक हो रहा है इसमें। सॉरी, इसमें वृषभ राशि आ रही है। किसमें? हाँ, मैंने करके देखा इधर। हाँ, ये सुबह मॉर्निंग का तो ठीक है सर, 5 है तो नीचे अपोजिट में 11 ही नंबर आएगा सर। कहाँ? ठीक है, अभी का गलत हो रहा है, अभी वाला टाइम शायद गलत आ रहा है, जो धनु आ रहा है वो ठीक नहीं। चलो मैं इसको चेक करूंगा फिर बाद में बताऊंगा ना, क्योंकि मुझे कुछ डाउट है ना, वो डाउट यदि क्लियर नहीं होगा तो बताने का कोई मतलब नहीं। चलो इसको अपन बाद में समझेंगे, है ना, चेक कर लूंगा मैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये मैं एक्चुअल में आपको डेली जो मूवमेंट होती है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो सर बता दीजिए इसमें क्या होगा। नहीं गलत बता दूं कैसे बता दूं? जब मैं सेटिस्फाई नहीं तो मैं क्यों बता दूंगा आपको? सर एक बार आप आज का टाइम अभी वाला